तो फाइनली अब तुम लोगों को खुश देखकर मुझे भी बहुत सुकून मिल रहा है, बहुत खुशी मिल रही है। 8 मैच जो मैंने पिछले कवर किए हैं उनमें से 6 मैच हम लोगों ने जीते हैं, एक मैच में इन्वेस्टमेंट वापस आई और एक मैच हम हारे हैं। वो जो हारे थे वो लाहौर वाला मैच हारे थे, वो भी अपनी गलती की वजह से। और जैसा मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि अभी 3 दिन पहले कि अगले 4 दिन पहले कि अगले जो 10 मैच मैं कवर करूँगा कम से कम 8 मैच जिताऊँगा, मैं उस पर पूरा खरा उतर रहा हूँ। अगर आज ये जो 2 मैच आज मैं कवर करूँगा, एक PSL का और एक वो ये वुमेन वाला, उनमें से अगर आज मैं एक मैच भी जीत जाता हूँ तो वो मेरा कमिटमेंट पूरा हो जाएगा, समझ रहे हैं आप। इसी तरीके से एक और बड़ा चैलेंज आप लोग के सामने ला के रखने वाला हूँ 1-2 दिन में। फिर से आप लोगों के पास एक मौका होगा बैक टू बैक मैचेस जीतने का, कमाने का, तो स्किप मत करना, एक्टिव रहो यूट्यूब पर, टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह, ठीक है। और फाइनली, और जो नॉलेज हम वीडियो में दे रहे हैं, लोग खुद तारीफ कर रहे हैं अनुराग भाई जो आप नॉलेज दे रहे हैं बहुत काम आ रही है। फॉर एग्जांपल स्मृति मंधाना के बारे में मैंने हमेशा बोला कि चेस करते हुए अच्छा करती है, कल भी चेस करते हुए उसने अच्छी पारी खेली। किरण नवगिरी जिस प्लेयर को कोई जानता नहीं उसके बारे में मैंने बोला था जब ये ऊपर बैटिंग करेगी तो पेलेगी, और अपने लास्ट मैच में इसने ऊपर बैटिंग करा था और 63 कुछ स्कोर किया था। कैप्सी ने कल भी मेरे प्रेडिक्शन के हिसाब से अच्छा परफॉर्म किया। अरुंधति रेड्डी ने विकेट लिए जो कि मेरा प्रेडिक्शन था। राधा यादव तो फ्लॉप हो गई कल। और PSL में एक प्लेयर है अनवर अली जो खेल नहीं रहा था मगर कल वो खेल रहा था उससे पहले खेल नहीं रहा था मगर उस प्लेयर के बारे में पहले दिन से मैं बताते आ रहा हूँ कि भाई जब वो प्लेयर हिटिंग अच्छी करता है, बैटिंग अच्छी करता है मगर बॉलर अच्छा नहीं है, पिटता बहुत है। और कल देखो लास्ट ओवर में पिट गया, हरा दिया, समझ। हालांकि 3 बॉल फिर भी अच्छी डाली मगर फिर भी पिटा मैच में। तो यही जो ज्ञान है, यही ज्ञान आपकी ज्ञान जो आपको मिलता है मेरी वीडियोस को देख के, वो ज़िंदगी भर आपको सपोर्ट करता है, ज़िंदगी भर के लिए होता है, समझ रहे हो। इसीलिए बोलते हैं ज्ञान की कोई कीमत नहीं होती। तो आज भी पूरा वीडियो देखना, आज जो UP और गुजरात का मैच है उसकी हम बात करेंगे इस वीडियो में, WPL की। और मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग वीडियो पर फिर से लाइक करें, एक लाइक एक कॉमेंट सब लोग करें, और आज कम से कम आज तो 10,000 लाइक कर दो। एक बार 10,000 लाइक हो जाएंगे मैं प्राइवेट कॉन्टेस्ट कोड वाला जो गिव अवे है वो भी स्टार्ट कर दूंगा आप लोग के लिए। मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ 8,000, 9,000, 8,500 लाइक तक हम लोग पहुँचते मगर 10,000 लाइक नहीं हो पाते, बहुत बुरा लगता है। एक ऐसा चैनल जहाँ पर 1-1 लाख लाइक होते थे एक टाइम पर, तो प्लीज़ कर दो, सभी लोग लाइक और कमेंट करो ताकि मैं और गिव अवे आप लोग के लिए लाऊं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करो, लगातार वीडियोस आ रही हैं, आती रहेंगी, ज्ञान आपको हमेशा मिलता रहेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते फिर आज की वीडियो और देखते हैं क्या होने वाला है आज के मैच में। तो एडिटर साहब इंट्रो लगाइए और फूलों के माला बना के मेरा स्वागत कीजिए। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। के चलो बढ़िया होगा, स्वागत है एक और नई फ्रेश वीडियो में। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं आज वुमेन प्रीमियर लीग के मैच नंबर 8 की, जो कि होगा UP वुमेन और गुजरात वुमेन के बीच में। हम बताएंगे आपको क्या टीम न्यूज़ है दोनों टीम्स की, क्या प्लेइंग लिए उनमें चेंजेस होंगे, बैटिंग ऑर्डर में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, पिच रिपोर्ट कैसी होगी, फैंटेसी के क्या टिप्स हैं, किसको कब लेना कब ड्रॉप करना, और मेरे जो मैच के प्रेडिक्शंस हैं कौन मेरी टीम में मतलब कौन स्कोर करेगा, कौन फ्लॉप होगा, कौन विकेट लेगा, कौन फ्लॉप होगा, सब बताएंगे आपको विस्तार में। और तो और जो मेरी फाइनल टीम होगी इस मैच की वो तो आपको टेलीग्राम पर दिख जाएगी, उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, लिंक मैंने दे दिया डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में, और वरना आप टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हो अनुराग द्विवेदी, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल दिख जाएगा, ब्लू टिक लगा है, वेरीफाइड चैनल है, ठीक है, ज्वाइन कर लेना। 12,50,000 से ज़्यादा लोग जुड़े हैं। ये जो चैनल आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये वाला है अनुराग एक्स क्रिकेट, वहाँ उसका यूज़र नेम है, सर्च करके ज्वाइन कर लेना। बाकी इस वीडियो में भी एक फैंटेसी टीम आपको दे दूंगा, हालांकि वो फाइनल नहीं होगी, खैर क्या ही है। हाँ, रही बात गिवअवे की, भाई कल की वीडियो में कोई भी बंदा गिवअवे का विनर नहीं बना, हालांकि परसों कोई बना था, कल नहीं बना। कल इसलिए नहीं बना क्योंकि जेस जोनासन अपना पहला मैच खेल रही थी WPL का इस साल का, और वो सबसे ज़्यादा फैंटेसी पॉइंट देकर गई, तो किसी ने गेस ही नहीं किया था, किसी को पता ही नहीं था कि वो खेल रही हैं, और विनर वही होगा जो 7 बजे से पहले कमेंट करेगा, इस वजह से कोई विनर कल नहीं बना। खैर कोई बात नहीं, आज मैंने आसान से सवाल पूछे हैं, 3 सवाल पूछे हैं, 3 के 3 आसान सवाल हैं, उन सवालों का जवाब देना आपको कॉमेंट करके तुक्का मारना है। अगर आपने सही जवाब दे दिया और आपका तुक्का सही बैठ गया तो आप जीत जाएंगे 5,000 रुपये, कल की वीडियो में आपका नाम आ जाएगा। तो प्लीज़ पूरा वीडियो जरूर देखना, और हाँ गिवअवे की एक शर्त है कि वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वो जरूरी है तो वो जरूर कर देना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते फिलहाल अपनी हम आज की वीडियो। तो भाई पिछले मैच में वृंदा दिनेश को इंजरी हो गई थी फील्डिंग करते वक्त, और तभी किरण नवगिरे ओपन करने आई थी,
ये मैच में हो सकता है कि वो मिस करें, ठीक है, तो वो एक न्यूज़ है। दूसरी, गुजरात की वुमेन, गुजरात की जो टीम है इसमें बैटिंग से वो उनकी टीम काफ़ी स्ट्रगल कर रही है, उनको एक बल्लेबाज की ज़रूरत है। तो मेरे ख्याल से अब फाइनली वो वक्त आ चुका है जहाँ पर लॉरा वॉलवॉट को आना पड़ेगा, वो आपको ओपन करते हुए दिख सकती हैं। और लॉरा वॉलवॉट काफ़ी अच्छी बल्लेबाज है और अच्छी बैटिंग करती है, क्लासी, बहुत अच्छा क्लास है, टेक्निक बहुत अच्छी है खेलने की, ठीक है, साउथ अफ्रीका की प्लेयर है, टॉप ऑर्डर में खेलती है, तो यहाँ पर आपको ओपन करते हुए दिख सकती है। एक बार चल लेते हैं, देख लेते हैं प्लेइंग 11 क्या होगी, बैटिंग ऑर्डर क्या होगा, सब डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, डिस्कस कर लेंगे, लेकिन उनसे पहले एक और चीज़ डिस्कस करनी है कि भाइयों, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जितने भी लोग फैंटेसी खेल रहे हैं, प्लीज़ आप लोगों के फ़ायदे के लिए बताता हूँ मैं कि आप लोग फैंटेसी सिर्फ और सिर्फ विजन 11 पर ही खेलिए। उसका रीज़न ये है कि वहाँ पर स्मॉल लीग खेलने वालों के लिए कम कमीशन है, कम कंपटीशन, इजीली जीत सकते हैं, पैसा उनका बचेगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा, लॉस में नहीं रहेंगे। जो लोग ग्रैंड लीग खेलते हैं उनके लिए ग्रैंड लीग जीतना, मेगा लीग जीतना बहुत ही आसान है, क्योंकि 3-4 लाख टीमों को हराना है, 50 लाख टीमों को नहीं हराना है। यहाँ पे 3-4 लाख टीमों को हराओ, मेगा लीग जीतो, लखपति बन जाओ 50 रुपये से। और जो लोग के पास पैसे नहीं है उनके लिए भी ये क्या बोलते हैं विजन 11 काफ़ी सही है, क्योंकि वहाँ पर आपको हर मैच में फ्री कॉन्टेस्ट मिलता है, हर मैच में आप फ्री में एक कॉन्टेस्ट खेल सकते हो। तो प्लीज़ दोस्तों जाओ, जाके डाउनलोड करो विजन 11 का ऐप, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, कमेंट बॉक्स में दे दिया है, और मेरे लिंक से जाओगे, रेफर कोड अनुराग यूज़ करोगे तो 500 रुपये का वेलकम बोनस भी आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो आई होप आप डाउनलोड करेंगे, यहाँ पर खेलेंगे। आगे बढ़ते, बात करते प्रॉपर प्लेइंग 11 की। तो देखो, यूपी वुमेन की जो टीम होगी, टीम कौन सी टीम खेलेगी, देखो एलिसा हिली ओपन करते हुए दिखेंगी, फिर से आपको किरण नवगिरे ओपन करते हुए दिखेंगी, उसके बाद तैलिया मैग्राथ हैं, ग्रेस हैरिस हैं, संजय सहरावत हैं, और दीप्ति शर्मा है, फिर खिमार हैं जो किसी बैटिंग के लिए है, बाकी सोफी कल्स्टन है, रजेश्वरी गायकवाड़ है, सुल्ताना है, और अंजलि सरवानी है। अंजलि सरवानी एक लेफ्ट आर्म पेसर है, तो अगर आप चाहो तो उनको बॉलिंग फर्स्ट करते हुए टीम में ले सकते हो, उतना हालांकि बहुत अच्छा मैं नहीं बोलूँगा, मगर हाँ, अगर आपको ट्राई करना है तो ट्रम्प प्लेयर आप बना सकते हो। बाकी गायकवाड़, एकल्स्टन, दीप्ति शर्मा, ये तीनों आपके लिए ज़रूरी हैं, क्योंकि गायकवाड़, एकल्स्टन दोनों लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर हैं, और बाकी दीप्ति शर्मा ऑफ ब्रेक बॉलर हैं, वहीं ग्रेस हैरिस भी ऑफ ब्रेक बॉलर हैं। तो ये चार प्लेयर तो आपके पूरे पूरे ओवर डालते दिख सकती हैं, नहीं चार नहीं तीन, दीप्ति शर्मा, एकल्स्टन, गायकवाड़, ये आपको पूरे चार चार ओवर डालते हुए दिख सकती हैं। बाकी के जो 8 ओवर हैं वो तैलिया मैग्राथ, ग्रेस हैरिस या अंजलि सरवानी इन सब मिलकर डालेंगी, ठीक है। तो वो चीज़ है, अलीसा अली अच्छी बल्लेबाज है, ओपन करेंगी, विकेट कीपिंग से आपको पॉइंट देंगी, किरण नवगिरे अच्छी प्लेयर हैं, और पावर प्ले को अगर एग्जीक्यूट कर लिया तो बहुत अच्छी, बहुत अच्छे पॉइंट आपको पावर प्ले में दे देंगी। तैलिया मैग्राथ ने भी तो कुछ इतना खास कमाल किया नहीं, ग्रेस हैरिस अच्छे फॉर्म में है, तो ये सब आपके लिए सेफ पिक है, ठीक है। अब चलते हैं गुजरात की एक बार टीम पर नज़र डालते हैं, तो मेरे ख्याल से बैट मुनी ओपन करेंगी फिर से, के जो कि कैप्टनसी भी कर रही हैं, और विकेट कीपर, विकेट कीपिंग से भी आपको पॉइंट देंगी, ठीक है। और लॉरा वॉलवॉट अगर ये ओपन करती हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पिक होंगी, क्योंकि बैटिंग बहुत अच्छी करती है, नो डाउट। फिर हरलीन देओल है, ये भी अच्छी प्लेयर है, एक बार फॉर्म में आने की वो है। वेदा कृष्णमूर्ति जो कि लगभग लगभग क्रिकेट छोड़ ही चुकी है, इनको टीम में रखने का कोई मतलब नहीं है। एशले गार्डनर बैटिंग बॉलिंग दोनों से आपको पॉइंट देंगी। उसके बाद कैथरीन ब्राइस आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक है कि बैटिंग बॉलिंग दोनों से पॉइंट देंगी। स्नेह राणा को उतनी ज़्यादा विकेट टेकर नहीं है, अवॉइड कर सकते हो, और बैटिंग से भी ठीक ठाक ही है, बहुत अच्छी भी नहीं है। तनुजा कन्वर ये आपके लिए ट्रम्प प्लेयर इस मैच में हो सकती है, क्योंकि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर हैं, सामने राइट हैंडेड बल्लेबाज काफ़ी हैं, तो वो चीज़ें। ली तहू बॉलिंग फर्स्ट करते हुए, मेघना सिंह बॉलिंग फर्स्ट करते हुए आपके लिए ट्रंप साबित हो सकती हैं, ठीक है, अच्छी पिक हो सकती है, पंट पिक हो सकती हैं। ये हो गई भाई प्लेइंग 11 की बात। अब जरा देखते हैं पिच के बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन पिच से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं भैया, सब लोग एक बार प्रोबो का ऐप ट्राई जरूर करो, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो फैंटेसी में जिनकी किस्मत नहीं साथ देती, नहीं जीत पाते, लॉस में है, उन लोगों के लिए प्रोबो एक लाइफ चेंजिंग प्लेटफॉर्म साबित हो सकता है। क्योंकि प्रोबो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको ना 11 प्लेयर्स की टीम बनानी होती है, ना कैप्टन वाइस कैप्टन चुनना होता है, वहाँ पर सिंपली आपको चल रहे सवालों के जवाब देने होते हैं हाँ या ना में, और अगर आपने सही जवाब दे दिए तो आप कमा लेते हैं पैसे सिर्फ हाँ या ना में जवाब देके। फॉर एग्जांपल आज वुमेन्स का मैच है, तो आज ये टीम मैच जीतेगी या नहीं जीतेगी, सवाल आप पढ़ लो, हाँ यस या नो, यस नो, हाँ या ना में आपको जवाब देके पैसे आप कमा सकते हो, इतना ईजी है। और आपको पैसे डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं, पहले दिन आप फ्री में खेल सकते हो, और नहीं तो क्या, आप आज प्रोबो का ऐप डाउनलोड करो, लिंक मैंने दे दिया डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में, मेरे लिंक से आप डाउनलोड करोगे तो आपको 50 से 100 रुपये का वेलकम बोनस मिल जाएगा, और पहले दिन आप पूरा बोनस फ्री में यूज़ कर सकते हो। और सिर्फ क्रिकेट के सवाल नहीं आते, फुटबॉल, कबड्डी, वॉलीबॉल, यूट्यूब, बॉलीवुड, पॉलिटिक्स, क्रिप्टो करेंसी, स्टॉक मार्केट, बिटकॉइन, सब सारी फील्ड के सवाल आते हैं, एग्रीकल्चर, समझ रहे हो, सारी फील्ड के सवाल आते हैं।
जो भी फील्ड आपकी फेवरेट है, जिस भी फील्ड का आपको ज्ञान है, उसमें आप अपनी नॉलेज को टेस्ट करके, नॉलेज का यूज़ करके, स्किल का यूज़ करके पैसे कमा सकते हो। और सिर्फ यही सवाल नहीं है क्रिकेट में कि ये टीम मैच जीतेगी या नहीं, इसने ओवर में इतने रन बनेंगे नहीं बनेंगे, इतने विकेट गिरेंगे नहीं बनेंगे, ये प्लेयर इतने रन बनाएगा नहीं बनाएगा, वो बॉलर इतने विकेट लेगा नहीं लेगा, सब तरह के सवाल होते हैं। तो प्लीज़ जाइए एक बार प्रोमो कैप ट्राई जरूर करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ओके चलो, हाँ तो पिच के बारे में बात करें। भाई पिच की बात बहुत नॉर्मल है, वही भाई पिच की बात करनी ही नहीं है, नॉर्मल न्यूट्रल सब कुछ बढ़िया, चलो इग्नोर करते हैं। नहीं तो बढ़िया है, बैटिंग के लिए अच्छी है, बॉलिंग के लिए भी अच्छी है, स्पिनर्स को विकेट मिलेंगे, पेसर्स को भी विकेट मिलेंगे, सब बढ़िया। छोटी बाउंड्री है मस्त, चलो 160-170 वाला स्क्वैच आपको फिर से देखने को मिलेगा। हाँ तो बात करते हैं फैंटेसी की टीम, लेकिन हाँ एक चीज़ ज़रूरी है, वो है गिव अवे का क्वेश्चन। तो आज की हमारी वीडियो का दोस्तों जो गिव अवे का पहला सवाल है वो ये है कि आज इस मैच में मैन ऑफ द मैच कौन बनेगा, उस प्लेयर का आपको नाम गेस करना है और नाम कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, ये हमारा पहला सवाल है जिसमें आप तुक्का मार के पहले सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में लिख लो। बाकी जो दो सवाल है आपसे आगे पूछूंगा उनके भी जवाब आप कमेंट करके लिख देना। अगर आपके तीनों सवालों का जवाब सही हो गया, आपका तुक्का सही बैठ गया, तो आप जीत जाएंगे 5,000 रुपये और कल की वीडियो में आपका नाम आ जाएगा। बस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी, वो जरूर कर देना भाई। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। तो फैंटेसी क्रिकेट टिप्स की बात करें तो बैट मुनी अली साहिरी दोनों ओपन करेंगे, दोनों विकेट कीपिंग करेंगे, दोनों टीम की कैप्टनसी करनी इंपॉर्टेंट है, दोनों को रखना है। वेदा कृष्णमूर्ति को हटाना ही है, सोचना ही नहीं है इनके बारे में। बैटिंग सेक्शन में आ जाएं तो ग्रेस हैरिस मस्ट पिक है, इनको लेना है क्योंकि ऑलराउंडर वाला रोल प्ले कर रही है, और लॉरा वॉलवर्ट अगर खेलती है तो इंपॉर्टेंट रहेगी स्मॉल लीग में, तो भाई ले लेना। और अगर मान लो लॉरा वॉलवर्ट नहीं खेलती है, लिचफील्ड अगर खेल रही है फिर से, तो लिचफील्ड को भी स्मॉल लीग टीम में रख लेना क्योंकि आपके लिए ट्रम्प प्लेयर साबित हो सकती है। बैट्समैन बहुत अच्छी है लिचफील्ड, बस फॉर्म में नहीं है। बाकी शेरावत काफ़ी नीचे बैटिंग कर रही है, कंसिस्टेंट भी नहीं, तो आप अवॉइड कर सकते हैं स्मॉल लीग में। हरलीन देव ऊपर बैटिंग करी, टॉप ऑर्डर बैटिंग करी, प्लेयर अच्छी है, इसको ट्राई कर सकते हैं, स्मॉल लीग में भी ग्रैंड लीग में भी ले सकते हो नो डाउट। ऑलराउंडर्स में दीप्ति शर्मा मेन बॉलर है, तो आप बैटिंग से बैकअप देंगे लेना है। एशले गार्डनर के ओवर कन्फर्म है, और जिस दिन इसका दिन हुआ बहुत तगड़ी बैटिंग करेगी तो रखना ही है। तैलिया मेघराज ने लास्ट मैच में बॉलिंग नहीं करी थी, मगर कभी भी बॉलिंग कर सकती है, और बैटर तो अच्छी है ही, बैटिंग अच्छी करती है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कैथरीन ब्राइस ने राणा, ये आपको बैटिंग बॉलिंग दोनों से पॉइंट देंगी, तो डिसेंट से ऑप्शन है स्मॉल लीग में। इसने राणा फिर भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर कैथरीन ब्राइस को आप रख सकते हो। बाकी पूजा खेमार उतनी ज़्यादा बॉलिंग नहीं कर रही है, तो स्मॉल लीग में अवॉइड करना है। बॉलर्स की अगर हम बात करें, बॉलर्स में सॉफी कल्स्टन बैटिंग से बैकअप देती है, बहुत तगड़ी विकेट टेकर है, इसको लेना है। तहू मेन पेसर है गुजरात की, तो अगर गुजरात पहले बॉलिंग करे तो ज़रूर पिक करना। गायकवाड़ कन्वर अच्छे लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं और विकेट टेकर हैं, तो इनको आपको अपनी स्मॉल लीग टीम रखना, सेफ पिक है। बाकी अंजलि सरवानी और मेघना सिंह में से जो भी पहले बॉलिंग करे उसको बॉलिंग फर्स्ट करते हुए टीम में ले सकते हो। ठीक है, ये हो गई पूरी टीम बनाने की प्रक्रिया। अब बात करते हैं मेरे प्रेडिक्शन क्या है, कौन अच्छा करेगा कौन खराब करेगा, सब बताता हूँ मैं कौन क्या करने वाला है मैच में। लेकिन मैच की प्रेडिक्शन देने से पहले एक सवाल और पूछ लेता हूँ गिव अवे का। तो गिव अवे का जो दोस्तों हमारा दूसरा सवाल है वो ये है कि आज के मैच में सबसे बेस्ट बॉलर कौन होगा, मतलब कौन सी बॉलर सबसे ज़्यादा विकेट लेगी, ये आपको गेस करना है और कमेंट करके आंसर करना है। अब अगर मान लो कि कोई बॉलर दो विकेट, मतलब कोई मान लो दो बॉलर है जिसने 4-4 विकेट ले लिए, तो जिसने फैंटेसी में सबसे ज़्यादा पॉइंट दिए होंगे वो बॉलर सही जवाब होगी। ठीक है, फैंटेसी में जिसने मतलब मान लो कि तुमने 4 विकेट लिए, मैंने भी 4 विकेट लिए, तो मेरा सवाल ये कौन ज़्यादा विकेट लेगा। अब हम उनमें सही जवाब कौन होगा, तो वो तो वही होगा जिसने फैंटेसी में ओवरऑल पॉइंट ज़्यादा दिए होंगे। ठीक है, तो दो सवाल पूछे, दोनों सवालों का जवाब कमेंट में आंसर कर दो, तीसरा सवाल आपसे आगे पूछ लूँगा। बस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है, वरना प्राइज़ नहीं मिलेगा, ये चीज़ याद रखना। हाँ तो मैच की प्रेडिक्शन की बात करें तो अलिसा हीली ये पक्का रन बनाएगी आज यूपी के लिए, मेरा प्रेडिक्शन है। अब इसके साथ में मेघराज या नवगिरे में से कोई एक प्लेयर चलेगी। बाकी दीप्ति शर्मा और सफी कल्स्टन ये दोनों कम से कम 4 विकेट जरूर लेंगी साथ में मिलके, 4 या 5 विकेट लेंगी आज के मैच में, चाहे जब बॉलिंग करें। बैट मुनी और अरलीन देओल ये दोनों प्लेयर रन बनाएंगी आज गुजरात के लिए, ये मेरा प्रेडिक्शन है। और अगर लॉरा वॉलवर्ट खेलती है तो वो लॉरा वॉलवर्ट कम से कम 30 रन जरूर बनाएगी, ये मेरा चौथा प्रेडिक्शन है। बाकी तनुजा कन्वर विकेट पक्का लेगी आज गुजरात के लिए। अब इनके साथ में तहू और मेघना सिंह में कोई एक विकेट ले वो अलग बात है, कौन लेता है वो थोड़ा डाउटफुल है, मगर कन्वर जरूर विकेट लेगी। और एशले गार्डनर कम से कम आज 60 पॉइंट जरूर देगी, तो कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए एक सेफ ऑप्शन है। ठीक है, मैंने बोला कम से कम 60 पॉइंट जरूर देगी, मेरा प्रेडिक्शन है। तो ये तो हो गई भाई मेरे 6 प्रेडिक्शन हो गए आपने जो देखे पढ़े सुने।
अब हम बात करते हैं फैंटेसी टीम की। तो अभी के लिए जो मैंने टीम बनाई है वो टीम आप देख लो, मैंने गार्डनर को कैप्टन हालांकि कर दिया है और दीप्ति शर्मा से मुझे बहुत उम्मीद है इस मैच में, तो मैंने दीप्ति शर्मा को वाइस कैप्टन कर दिया है। बाकी टीम वही सेफ टीम है। टॉस के बाद मैं किसको ट्रम्प प्लेयर बनाता हूँ, कौन मेरी पंट प्लेयर होती है देखूंगा, कौन पहले बॉलिंग कर रहा है कौन पहले बैटिंग कर रहा है, सब चीज़ देख कर जो मेरी फाइनल टीम होगी वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी टॉस के बाद। तो फाइनल टीम के लिए प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। लगातार 7 मैच 8 मैच हम लोग जीत चुके हैं, आज भी जीते हैं और अपना हिसाब बराबर करें। तो जाइए टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में जो ज्वाइन करिए और वरना वहाँ पर सर्च करिए टेलीग्राम पर अनुराग एक्स क्रिकेट, आपको मेरा चैनल लिख जाएगा, ब्लू टिक लगा, वेरीफाइड चैनल है। और फैंटेसी जो भी लोग खेलो, स्मॉल लीग खेलो चाहे ग्रैंड लीग खेलो चाहे पैसे नहीं है फ्री में ही खेलो, सबके लिए एक प्लेटफॉर्म है बस विजन इलेवन। जाके विजन इलेवन ऐप को जरूर डाउनलोड करो, लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन में है। और प्रोमो पर आसानी से चल रहे सवालों के जवाब दो हाँ या ना में और आसानी से पैसा कमाओ, बहुत ही सिंपल है अर्न करना यहाँ पे। तो जाओ जाके प्रोमो का ऐप डाउनलोड करो, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है। ओके, मेरे लिंक से जाओगे तो 50 से 100 रुपये का वेलकम बोनस मिलेगा और पूरा बोनस 100% आप यूज़ कर सकते हो। ओके, बाकी जो हमारा गिव अवे का आखिरी सवाल है, क्वेश्चन आखिरी जो सवाल है वो ये है कि आज के इस मैच में, वुमेन वाले मैच में सबसे ज़्यादा बड़ा स्कोर कौन से प्लेयर बनाएगी, मतलब सबसे ज़्यादा रन कौन बनाने वाला है, उस प्लेयर का आपको नाम गेस करना है और कमेंट करके आंसर करना है। तो तीन आसान से मैंने सवाल पूछे, तीनों आसान सवालों के जवाब दो, तुक्का मारो और कमेंट बॉक्स में लिखो। अगर आपका तुक्का सही बैठ गया तो आप जीत जाएंगे 5,000 रुपये और कल की वीडियो में आपका नाम आ जाएगा। ट्राई जरूर करो, ठीक है, बस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है वो जरूर कर देना। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे कल एक नई वीडियो में और मिलते हैं टेलीग्राम पर फाइनल टीम के साथ। बाय बाय, लव यू, ऑल द बेस्ट। प्लीज़ कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक जरूर करना। बाय बाय, लव यू।